और एक और नए वीडियो में, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको कंप्लीट वीडियो लेके आने वाला हूँ बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है आपके पास अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने लगते हो तो? आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो? कुछ स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं, कोई पीपल कुछ बोल रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। वीडियो को अच्छे से देखना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर ऐसी वीडियोज़ के लिए। मेरे पास बहुत मुश्किल था अभी टाइम निकाल पाना, बहुत बिजी शेड्यूल था, जॉब ट्रेनिंग की वजह से मुझे दूसरे स्टेट में माइग्रेट करना पड़ा, फिर ये सब की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है अभी, तो मैंने फिर भी टाइम निकाल के मैं सोचा आपके लिए डिटेल वीडियो बना देता हूँ जिसके लिए मैंने आपको बोला हुआ था, ठीक है ना? तो चलो मैं वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ, अच्छे से देखना। उससे पहले अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी अगर ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो द स्टडी एटिक हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ पे हर एक छोटा सा बड़ा अपडेट आपको दे दिया जाता है। एडमिशन लेता है एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर करता है, या तो एग्रीकल्चर लेगा या उसके अलाइड सेक्टर्स हो सकते हैं। अलाइड सेक्टर्स के अंदर में आपका आएगा हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर और अदर कोर्सेज, कम्युनिटी साइंस, ठीक है ना? ये सब उसके आपके अलाइड कोर्सेज के अंदर में आएंगे। तो स्कोप एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में बंदा एडमिशन लेता है उसके बाद में उसके पास चार ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शंस क्या रहता है, देखो पहला ऑप्शंस उसके पास में होता है गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन करना, गवर्नमेंट जॉब्स का। अब गवर्नमेंट जॉब्स में भी दो तरह का जॉब्स होता है, देखो एक होता है एग्री सेक्टर से रिलेटेड। अब कौन कौन सा आप एग्री सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब्स हैं, ठीक है ना? एग्री सेक्टर से रिलेटेड, और एक होते हैं जनरल जॉब्स जिसमें आता है आपका एसएससी, बैंकिंग जो आपके आईपीएस पीओ वगैरह, और रेलवे, ये जो आपके सेक्टर है मेजर सेक्टर। तो गवर्नमेंट जॉब पहला उसके ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट जॉब करना, तो उसमें एग्री सेक्टर से रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं, एग्री सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उनको नोट डाउन आप कर लेना। और जो जनरल जॉब्स हैं तो वो सेकेंड चीज़ है। उसके बाद दूसरा हुआ आपका प्लेसमेंट, अगर आपके कॉलेज से आपका प्लेसमेंट हो जाता है देन आप प्लेसमेंट के लिए किसी भी जो कंपनी में आप ज्वाइन करते हो तो, या इसमें कुछ होता नहीं है कि प्लेसमेंट में कि नहीं आपको एग्री ही चाहिए। देखो वो कंपनी की नीड्स पे डिपेंड करता है, कंपनी क्या चाहती है, किस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, क्योंकि आपको पता एज ए आप एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हो, ठीक है ना, अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो एग्रीकल्चर या करना चाहते हो तो आपको पता है मैक्सिमम जो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो रूरल एरियाज में होते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं। आप सीधा किसी फार्मर से, आप फार्मर से डील करते हो, मतलब आप समझ रहे हो बिल्कुल आप रूरल एरियाज के पीपल से डील करते हो, तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लाइक जो कंपनीज रूरल एरियाज में वर्क करती है, मतलब लोकल और पीपल्स के पास जाके उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो, उनको कुछ आपको किसी फर्टिलाइजर्स के बारे में बताना हो या कुछ उनको लोन प्रोवाइड्स करना हो, ये सब कुछ करना हो, तो रूरल एरियाज में जाने के लिए आप उसके लिए बेस्ट रहोगे, क्योंकि आपको पता आपने डील किया हुआ है, ठीक है ना? हर एक रूरल एरिया में तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी वहाँ मिलती है, तो उससे रिलेटेड जितना भी कंपनीज आती हैं वो आती हैं, देन आपको वो डिसेंट सा पैकेज देती है, आपको यूजी लेवल पे भी लेती है, पीजी लेवल पर भी लेती है। अगर आप एबीएम करते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या रिसोर्स मैनेजमेंट, इन चारों बेस आपको वो प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो ये रहा आपका पहला, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स का, दूसरा हुआ प्लेसमेंट का, लोग कुछ कुछ जो स्टूडेंट प्लेसमेंट ले लेते हैं। देन उसके बाद देखो तीसरा बात करूँ मास्टर्स के लिए, तो लोग क्या करते हैं आगे अपना बीएससी किया कंप्लीट किया फिर वो एमएससी करने के लिए मास्टर्स के लिए चले जाते हैं। एंड लास्ट आपका जो फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है कि जो स्टूडेंट जो क्या चूज करते हैं, देखो फोर्थ नंबर के पॉइंट में जो जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं कि जो क्या चूज करते हैं वो आपका जाते हैं मैनेजमेंट फील्ड में, मैनेजमेंट फील्ड में उसके थ्रू वो क्या करने जाते हैं एमबीए करते हैं, ठीक है ना? अब इसमें देखो क्या क्या किस कौन कौन सी एग्जाम होती है, जैसे आपका हुआ कैट का एग्जाम हुआ, अभी जैसे एक हुआ आपका सीयूईटी, पीजी एमबीए हुआ, एक हुआ आपका महाराष्ट्र के लिए हुआ एमएचसीटी एमबीए, जेड का एग्जाम हुआ, ठीक है ना? ये सब एग्जाम्स के थ्रू आप इसमें मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर में एडमिशन ले सकते हो और आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। ये तो था आपका बेसिक रफ स्ट्रक्चर कि फोर सेक्टर्स होते हैं, पहले गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग प्रिपरेशन करते हैं, देन उसमें अगर जो गवर्नमेंट जॉब में अगर देखो लोग एग्री सेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें एज कम्पेयर टू जनरल कॉम्पिटिशन कम होता है, क्योंकि उसमें एग्री से रिलेटेड एग्री और उसके अलाइड सेक्टर वाला बंदा एलिजिबल होता है, ठीक है ना? और मैक्सिमम स्टूडेंट प्लेसमेंट ले लेते हैं, जिनको प्लेसमेंट मिला वो प्लेसमेंट भी ले लेते हैं।
कुछ मास्टर्स के लिए जाते हैं, कुछ मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। अब आगे आपको वन बाई वन बताने वाला हूँ, देखो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। देखो करियर अपॉर्चुनिटी आप तो बेसिक एग्रीकल्चर पहले मैं बताने वाला हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में देखो तो उसके लिए इन सब के लिए एलिजिबिलिटी, पहला था आपका स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर SDA, इसके अंदर आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर AEO, और ब्लेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट जो देखो BBA AEO, ये सब होता है। ये इनका जो पोस्ट होता है ये आपको ऑकेजनली और रेगुलर दोनों टाइप से होता है, किसी 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 स्टेट में रेगुलर भी होता है, किसी किसी में ऑकेजनल होता है। तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर हुआ, ये सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इनको आपको जो कहाँ पे विजिट करना है यहाँ पे वेबसाइट भी दिया हुआ है। उसके बाद में देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में आपका टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट निकलता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल होता है। ये आपका 2 से 3 साल में एक बार इसका पोस्ट निकलता है, ठीक है ना। इस वीडियो में देखो जितना भी बताऊंगा उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो आफ्टर BSc एग्रीकल्चर जो एग्री से रिलेटेड है, ठीक है ना। और जो एग्री से रिलेटेड नहीं थे वो तो मैंने आपको, एग्री से रिलेटेड नहीं है तो उनके लिए भी आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS, तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर AFO, आप AFO के लिए भी, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए भी आप एलिजिबल हो, तो इसके लिए भी आप दे सकते हो। ये भी इसका पोस्ट रेगुलर आता है और एक अच्छा जॉब्स भी है AFO का आपका, बहुत लोग इसके लिए आप पढ़ाई करता है, मतलब इसको टारगेट करता है। एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखो फार्म मैनेजर, KVKS के अंदर फार्म मैनेजर हुआ, टीचिंग असिस्टेंट इन एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक्स, इन सब के लिए भी जॉब्स निकलती है। तो उनमें ऑकेजनली तो उनके लिए भी आपको ध्यान रख के रेगुलर विजिट करके भी आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं नाबार्ड बैंक के लिए, देखो ये भी फेमस है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। इसमें भी देखो किस किस पोस्ट में थे, ग्रेड ए का जो पोस्ट होता है वो आता है असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड बी का होता है आपका देखो मैनेजर, ठीक है ना। इसके लिए BSc AG, MSc AG और PhD वाला सब इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। इसके जो वेबसाइट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, रेगुलर इसका पोस्ट आता है। एक आपका जैसे रेगुलर में हुआ आपका AFO हुआ, अब आपका हुआ नाबार्ड हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में है आप UPSC, UPSC के अंदर भी आप क्या, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड अदर सर्विसेज, इसके लिए भी आप कर सकते हो। इसका रेगुलर एनुअली आपका इसका पोस्ट निकलता है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी AIC के अंदर भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट निकलता है ऑकेजनली, तो उसके लिए भी आप इसको रेगुलर विजिट करके भी ध्यान रख सकते हो। स्टेट फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट होता है उसके लिए दे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर FRO का वैकेंसी निकलता है, उसके लिए भी एग्रीकल्चर वाला बंदा एलिजिबल होता है। एक होता है सेक्शन ऑफिसर के लिए भी, उसके लिए एलिजिबल होता है। इन सबको नोट डाउन कर लेना, इतना डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आपको वीडियोस भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, मे बी इसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा किसी रीजन की वजह से, क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस टाइम पे मतलब प्रॉपर लाइट नहीं है, ठीक है ना। देखिए स्टेट एंड सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, देखो सीड ऑफिसर कॉर्पोरेशन, देखो सीड ऑफिसर के लिए भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे देखो ऑकेजनली निकलता है इसका भी, देखो ये होता है CCI, इसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट इसका भी वेट करता है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें जूनियर असिस्टेंट हुआ और देखो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव हुआ, तो इसके लिए जो देखो वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन है और ऑकेजनली इसका पोस्ट निकलता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC, इसमें एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के रूप में आपको जॉब मिलता है, ये रेगुलर निकलती है, इसके लिए आप रेगुलर विजिट करते रहें। उसके बाद में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, भाई बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है ना। FCI हुआ, AFO हुआ, ये सब आपका CCI हुआ, ये सब अच्छा जॉब्स है, एनुअली निकलता है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का इसमें पोस्ट होता है। सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन CWC, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट JTA, जूनियर सुप्रिटेंट, इसमें भी देखो ऑकेजनली इसका निकलता है। अब बात करते हैं अपन स्टेट स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में, तो देखो आपका प्रोक्योरिंग इंस्पेक्टर हुआ, मार्केटिंग इंस्पेक्टर हुआ, असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर हुआ, और इनका भी ऑकेजनल निकलता है, इन सबको आप विजिट करते रहना है। स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन में भी देखो इसका भी निकलता है। इन सबके लिए अगर आप एक होता है कि रेगुलरली देखोगे आपको आइडिया लगता रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं जॉब ईजिली मिल जाएगा, अगर गवर्नमेंट सेक्टर को आप टारगेट कर रहे हो तो। कॉर्पोरेटिव ऑयल सीड जो ये वाला है, इसमें देखो फील्ड ऑफिसर के लिए ऑकेजनली जॉब्स निकलता है, इसके लिए वेबसाइट आप ये है, इस पर विजिट करते रहें, ठीक है ना। उसके बाद देखो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है ना, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव MR, तो इसके लिए भी रेगुलरली पोस्ट निकलता है। जो रेगुलर वाले हैं उनको तो एटलीस्ट जरूर देखें आप, उनके बारे में आपको डिटेल में देख लेना है इस वीडियो के बाद में। सबको नोट डाउन आप कर रहे होगे, टाइम लगेगा नोट डाउन करने में, बस कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बाद में कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे ज़्यादा कहीं आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हर एक मैंने इसमें हर एक एग्जाम के बारे में कवर किया हुआ है।
ठीक है ना। इसमें देखो इंडियन फार्म फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव या जो इफको में होता है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग एजीटी, इसमें देखो इसका रेगुलरली निकलता है एनुअली, तो इस पर भी आपको जरूर करना, बहुत अच्छा पोस्ट है इसमें भी। उसमें देखो आपको कृषक भारती कॉरपोरेटिव लिमिटेड, ठीक है ना, इसमें फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग के लिए मिलता है, इसमें भी एनुअली आपको मिलता है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ये सब के लिए देखो सेल्स ऑफिसर हुआ, फील्ड ऑफिसर हुआ, इनका भी रेगुलर होता है, इसके लिए भी आपको अप्लाई करना है, मतलब इसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलरली ध्यान रखना है कब इसका वैकेंसी निकल रहा है, कब तो कब हमको इसको अप्लाई करना है, उस सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, देखो इसके लिए आपका फूड इंस्पेक्टर के लिए निकलता है, रेगुलर निकलता है। उसके बाद देखो कुछ ओकेजनल वाले हैं, ओकेजनल वालों को मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये देखो पहला आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL, इसका भी ओकेजनल निकलता है। टोबेको बोर्ड फील्ड ऑफिसर के लिए निकालता है। कॉफी बोर्ड जूनियर ऑफिसर एंड जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए निकालता है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड टेक्निकल असिस्टेंट या फील्ड ऑफिसर के लिए निकालता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इसमें निकलता है, बहुत रेपुटेटेड होता है, यहाँ पे भी अच्छा खासा सैलरी होता है, तो आप इसके लिए जरूर करें, ठीक है ना, इसमें आप जरूर देख लें, ये ऑकेजनली है तो एटलीस्ट एक बार आप विजिट करके तो देख लें, ठीक है ना। ये भी आपका देखो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें भी निकलता रहता है, इसके लिए भी आपका एग्री हुआ और एग्री अलाइड सेक्टर्स हुआ दोनों एलिजिबल होता है। उसमें देखो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज, इसमें भी आपका टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट निकलता है। और इसमें देखो साउथर्न रीजन ऑफ फार्म मशीनरी ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ये इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ, इसमें भी टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट निकलता है। निफेड में भी देखिए नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसमें जूनियर फील्ड रिप्रेजेंटेटिव का निकलता है वैकेंसी, तो वो भी आपका ओकेजनली निकलता है। देखो सब राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर RCFL के लिए भी देखो मैंने बोला था ना कि सब एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा आपका, अगर आप वो वीडियो देख लोगे, मे बी ये वीडियो लंबा है बट आपका सब एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा, जब आप कुछ कुछ एग्जाम सुनते थे, अब इसमें इतना सारा एग्जाम्स है, मतलब इतना सारा आपका जो वैकेंसीज है, ठीक है ना। ये देखो उसके बाद देखो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हुआ, इसका भी आपका निकलता है एग्रीकल्चर, देखो इसका जो सैलरी, देखो सैलरी भी यहाँ पर निकल रहा है 50,000। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री डाइवर्सिटी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE, इसमें भी टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है फील्ड एंड लैब रिसर्च के लिए, ये भी ओकेजनली आपका निकलता है। अब बात करते हैं कि देखो करियर अपॉर्चुनिटीज विद MSCAG, अगर आपने MSCAG किया हुआ है तो उसके साथ साथ आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये सब MSCAG के साथ ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो KBKS में आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, आप उसमें बन सकते हो। देन उसके बाद में देखो यहाँ पे SMS प्लांट प्रोटेक्शन, SMS क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना, SMS एग्री मेट्रोलॉजी हुआ, ये सब के लिए। उसके बाद देखो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आपका देख ASRB एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसके थ्रू भी आप जॉब ले सकते हो, ठीक है ना। इसमें देखो कि कौन कौन से डिसिप्लिन, 56 डिसिप्लिन होते हैं, कितना वैकेंसी मतलब रिक्रूटमेंट है, और हर एक डिपार्टमेंट से मेंशन किया हुआ है। एंटेमो हुआ आपका, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हुआ, प्लांट पैथोलॉजी हुआ, एग्रोनॉमी हुआ, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हुआ, कितना उसके इसका वैकेंसी निकलता है, ठीक है ना। तो ये सब है, आप इसको देख सकते हो। इसमें देखो आप ये जो मैंने आपको सब बताया उन सब के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। NSC हुआ, आप UG वाले के लिए तो आप एलिजिबल हो, और PG वाले के लिए आप मतलब UG वाले स्टूडेंट करके उतने सारे जॉब्स के लिए ले, उनके लिए PG वाला भी एलिजिबल होता है, तो उसमें देख सकते हो ये सब। देखो पोस्ट का डिफरेंस होता है, अगर वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर होगा तो आप जो PG करके जाओगे तो आपके सीनियर असिस्टेंट मैनेजर आप रहोगे, ठीक है ना। ये देखो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF देखो गाजियाबाद, जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर, ठीक है ना, MSCAG इन प्लांट प्लांट पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस एक्सटेंशन में चाहिए, इसका ऑकेजनली निकलता है। रेगुलरली FCI हुआ आपका, मैनेजमेंट ट्रेनिंग हुआ, इन सबका निकलता है, ठीक है ना। ये देखो जो मैंने बताया वो सब सेम इसी में भी है, इनका भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, अच्छे से ये आपका है। उसके बाद में इसमें कुछ अदर आपका टेम्प्रेरी जॉब्स जो कभी कभी निकलता है, देखो जो सीनियर रिसर्च फेलो SRF, अब ये जॉब को तो यंग प्रोफेशन, इसको जॉब को क्या बोलेंगे अपन, इसको बोल सकते हैं जैसे SRF होता है, तो इसमें ICR के थ्रू जो कुछ सीट्स होती हैं ICR के थ्रू होती है, जब ICR आप PhD का जब आप एग्ज़ाम देते हो, तो अगर आपको SRF मिलता है तो उसमें भी आपको अच्छा खासा सैलरी मिलता है। देखो
स्टार्टिंग होता है आपका, जो फर्स्ट ईयर होता है आपको उसमें 35,000 रुपीज आपको मिलता है पर मंथ पीएचडी करने के साथ साथ, उसके बाद 35,000 आपको दिया जाता है। ये सब वेरियस आईसीआर के इंस्टीट्यूट में हुआ। टेक्निकल ऑफिसर हुआ टी ओ, तो इसके लिए जो एमएससी एंटमो नेमेटो पैथोलॉजी होना चाहिए, जिसके देखो इतना आपका सैलरी है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट ऑफिसर हुआ, सीनियर फेलोज इन फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन देख सकते हो, और स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, ठीक है ना। ये देखो एक्सटेंशन ऑफिसर हुआ, रिसर्च फेलो हुआ, ये सब बहुत सारा है इसमें, आप इसको जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको जो मैंने अभी तक बताया वो समझ आया होगा। इसमें एक चीज़ और बताया था, कौन कौन सा फेलोशिप पीएचडी के टाइम पे आपको मिल सकता है। देखो यहाँ पर पीएचडी के लिए जो फेलोशिप दिया हुआ है यहाँ पर लिख सकते हो, इंस्पायर हुआ, आईसीआर एसआरएफ हुआ, यूजीसी का जो फेलोशिप हुआ, ठीक है ना। उसके बाद देखो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप हुआ, आरजीएनएफ हुआ, मौलाना आजाद फेलोशिप हुआ, तो ये सब फेलोशिप का आप लाभ उठा सकते हो। तो जो देखो मैंने इसमें किया हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन फेलोशिप्स के लिए। और भी देखो यहाँ पे है यूजीसी नेट का हुआ, ये देखो सीएसआईआर नेट का हुआ, यूजीसी नेट का हुआ, वुमन साइंटिस्ट, ठीक है ना, ये सब के लिए ये देखो यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आया होगा जो मैंने बताया इस वीडियो में, आपको कवर करने की कोशिश किया सब कुछ। फिर भी आपका कोई भी डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका जो भी डाउट रहेगा मैं आपको क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो ये था इसमें कि एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, ठीक है ना, किस किस एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो, इन सब के बारे में। और अभी देखो आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर सकते हो, ये देखो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और देखो जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, अभी वो यूजी के स्टूडेंट हो या इवनली पीजी के हो, ठीक है ना, और उनको कि काउंसलिंग के बारे में पता नहीं कौन कौन से कॉलेजेस रखना है, तो वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको ओनली 599 रुपीज़ आपसे यूनिवर्सिटी में पहुँच सकते हो। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे काउंसलिंग करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मतलब कौन कौन से आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस आपको रखना है, वो सब के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, इसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो एक क्यूआर कोड दिख रहा है आपको, ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, इस क्यूआर कोड पे आपको पे करना है। पे करने के बाद में आपको इस व्हाट्सएप नंबर 6350578481 पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। आप जैसे सेंड करते हो मैं आपको वेरीफाई करता हूँ, देन आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड करता हूँ, और आगे की जो फर्दर प्रोसेस वो भी आपको मैं करके देता हूँ। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक, और नेक्स्ट वीडियोस भी आईसीआर यूनिवर्सिटी इनसाइट सीरीज पे भी जल्दी आएगा, सो बने रहे मेरे साथ।